गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑटोसम सब कैसे करेंगे। इसके लिए मेरे को सबसे पहले थोड़ा एंट्री करना है। मैं अभी नंबर एंटर कर रही हूँ। मैंने अभी इधर चार नंबर एंट्री किया है। अगर मान लो आपको ऑटोसम ढूंढना है तो इधर ऊपर दिया है ऑटो सम करके, ऐसा डायरेक्ट क्लिक करें तो उसका सम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। इतना सेलेक्टेड हो गया, अभी मैं एंटर करेगा तो उसका सम ऑटोमेटिकली इधर आ गया। अगर मान लो मेरे को इसका एवरेज ढूंढना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया ऑटो सम को, अभी मेरे को एवरेज ढूंढना है तो ऑटो सम के बाजू में एरो है उधर क्लिक करना है, इसमें एवरेज लिखा है तो इसमें चार नंबर का एवरेज ढूंढेंगे। इधर हमने जितना एंट्री किया वो नंबर का एवरेज, इसका एवरेज 78 आ रहा है। अभी मेरे को मैक्सिमम ढूंढना है, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है तो इसमें मैक्स वैल करके है उसमें क्लिक करना है। तो ये चारों सेलेक्ट हो गया, एंटर करेगा तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 89 है तो वो आ गया इधर। अगर आपको मिनिमम ढूंढना है तो इधर क्लिक करना है, इधर मिनिमम करके है उसमें क्लिक करो देन एंटर। मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 67 है। स्टूडेंट्स, अभी आपको एलसीएम, जीसीडी सब निकालना है तो हमको एक्सेल में फॉर्मूलास में जाना है। कहाँ पे जाना है, फॉर्मूलास, फॉर्मूलास में क्लिक करना है। इधर मैक्स एंड ट्रिक वाला है, उसका नीचे एरो है उसमें क्लिक करना है। इधर नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं, इधर जीसीडी लिखा है, जीसीडी इधर नीचे लिखा है। जीसीडी मींस हमारा मैक्स में HCF है वही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। आप इसको क्लिक करना है तो आपको पूछेंगे नंबर वन, नंबर टू करके कौन सा नंबर का GCD निकालना है, वो आपको इधर एंटर करना है। मैं अभी पहले में 45 लिखा है, नेक्स्ट नंबर में 78 लिखा है, उसके बाद 30 लिख दिया। जितना नंबर का ढूंढना है वो करना है आपको, उसके बाद ओके। तो आंसर मेरा इधर आ गया है, हम जहाँ पे कर्सर रखा उधर आंसर आएंगे। अभी मेरे को एलसीएम ढूंढना है तो कर्सर तो मैंने इधर रखा है, मैक्स एंड ट्रिक में जाना है, स्क्रॉल करना है, इधर LCM आया है तो उसमें आपको क्लिक करना है तो आपको पूछेंगे नंबर वन, नंबर टू करके। मैंने पहले में 15 डाल दिया, आई एम डूइंग वंस अगेन। पहले में मैंने 15 डाल दिया, एंटर नहीं करना है, सेकेंड नंबर देना है 30 और 60। तीन नंबर एंटर करने के बाद ओके दबाना है, अगर बीच में एंटर दबाए तो उतना ही हम ले लेंगे, उसका 75 है, ठीक है।